अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो योगी यूट्यूब हिंदी चैनल में। बिजनेस में होगा आज कितना प्रॉफिट, हेल्थ के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, क्या मिलेगी मनचाही नौकरी या होगी अपने पार्टनर के साथ मुलाकात, ऐसे किसी भी सवाल के जवाब को पाने के लिए डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, कंसल्ट करें अपने फेवरेट एस्ट्रोलॉजर से, वो भी 100% प्राइवेसी के साथ। 14 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार का राशिफल और पंचांग। विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, हिंदू पंचांग के अनुसार आज वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष और बसंत ऋतु। आज नौमी तिथि रात 11:13 तक रहेगी, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 9:14 तक रहेगा, उसके बाद स्वर्ण नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग सिद्ध सुबह 9:37 तक रहेगा और उसके बाद साध्य योग लगेगा। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्यदेव मीन राशि में 2:12 तक गोचर करेंगे, उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज सूर्य उदय सुबह 5:57 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:46 पर। आज चंद्र उदय रात 2:54 पर होगा। जानते हैं शुभ मुहूर्त अभिजीत के बारे में, सुबह 11:56 से लेकर 12:47 तक होगा। बात करते हैं राहु काल की, कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। राहु काल सुबह 10:46 से शुरू होकर 12:22 तक होंगे। मेष राशि के जातक, आज आप कुछ टेंशन में होंगे, आपको लोगों की परेशानी समझ आ रही है, परंतु अपनी परेशानियों को पहले हल कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने काम को लेकर जो थोड़ी लापरवाही आप बरत रहे हैं उस पर भी फोकस कीजिएगा। आपको आज परिवार और दोस्तों की हेल्प मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। आज अपने पार्टनर के साथ इंटरनेट पर कुछ समय बिता सकते हैं या ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, दोनों लोग दिन भर जुड़े रहेंगे। आज आपको नया पार्टनर भी मिलने की संभावना बनती है। वहीं करियर के लिहाज से बात करें तो कंपनी की तरफ से दूर भेजा जा सकता है। यात्रा को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं, परिवार की समस्या आ रही है, चिंता की कोई बात नहीं, यह आपके लिए लाभकारी है। जो काम रुके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। फाइनेंस में आज विदेश में आपको लाभ मिलने का संकेत आ रहा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका आज आपको फायदा मिलेगा। यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइएगा, एक्सीडेंट या दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हरे रंग से बच जाइए। आज कोई भी हरे रंग का सामान अपने साथ ना रखें, ना उसको पहने, बाकी सारे रंग आपके लिए लकी सौभाग्यशाली होंगे। शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय आपके लिए शुभ होगा। वृषभ राशि, आज अपने आसपास शांति और सुकून की कमी महसूस कर रहे हैं। आज करीबी दोस्तों से बहस हो सकती है, किसी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव भी होते हुए दिखाई देगा। यदि आप अपना कंट्रोल रखेंगे तो समस्या नियंत्रित रहेगी, यदि कंट्रोल खो देंगे तो आप इसे बाहर होना भी नुकसानदायक होगा। आज चीजें सामान्य होंगी शाम तक, खुद को खुश भी कर पाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो उतावलेपन से बचना चाहिए, आज दूसरों के साथ संभल कर काम करें, आपका उतावलापन आपको दूर ले जा सकता है। करियर में यदि आप खुद का बिजनेस है तो विदेश से अच्छा अवसर मिल सकता है, किसी विदेशी प्रोजेक्ट में काम करने का भी मौका आपको मिलेगा। बिजनेस को देखें तो विचार कर लीजिएगा किस प्रकार बचत योजनाओं में अपना पैसा लगाना चाहिए। हेल्थ के लिए वो दिन है जो सतर्क रहना है, किसी भी प्रकार के छोटे मोटे हादसे से आप बचें। आज हरा रंग आपके लिए शुभ होगा, लक को बढ़ा देगा। 3:30 से लेकर 4 बजे तक का समय आपके लिए सौभाग्यशाली। मिथुन राशि के जातक, मकर राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। काफी दिन से व्यस्त रहे हैं, आज उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा आज कुछ मूड माहौल को चेंज करें। आज काम का कोई भी प्रकार आपको भविष्य में लाभ दिलवाएगा, कुछ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें, छोटे छोटे मुद्दों पर अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होने से आपको बचना है, पार्टनर के लिए वादों को पूरा करने का दिन रहेगा। करियर में आज बिजनेस है तो बहुत अच्छा दिन रहेगा, दूर के साझेदार आपको नया प्रोजेक्ट या नया काम दे सकते हैं, लोहे से जुड़े व्यापारी आज बहुत फायदे में दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस की बात करें तो आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, विदेशी साझेदार आपके बिजनेस में अच्छा करने के लिए आज हो सकता है आपसे मिलने।
हेल्थ में थोड़ा सा घबराया हुआ महसूस करेंगे, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, थोड़ी हेल्थ आज नाजुक रहेगी। सेहत सामान्य तौर पर ठीक है। दोपहर 1:10 से लेकर 2:15 तक का समय किसी भी शुभ कार्य और अच्छे कार्य के लिए निर्धारित रखें। सफेद रंग आज आपके लिए लक्की साबित होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक आज चंद्रमा मकर राशि में होने के कारण कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं, परंतु ऐसी परिस्थितियां भी आ रही हैं जिनकी वजह से आपको तनाव था, वो चीजें आज दूर भी हो जाएंगी। निराशा है, खुलकर बात करें, आप पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें, घर में लंबे समय से चल रहा मनमुटाव आज दूर हो जाएगा, कोई हल निकाला जाएगा, घर में शांति बनाए रखें। पारिवारिक रिश्ते और नई शादी अगर हुई है तो उनको और अच्छा करने का प्रयास कीजिएगा। करियर के मामले में आज अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने का मौका मिलेगा, अगली बार नई नौकरी ढूंढने जाएंगे तो आसानी होगी। आप काम से संतुष्ट हैं, लेकिन फ्यूचर में अचानक नौकरी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। आज अपने ऑफिस में अपने बॉस के साथ कोई भी विवाद ना करें, अन्यथा नौकरी तो ढूंढनी ही पड़ जाएगी। फाइनेंस में, विदेशी मामलों में आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, परंतु अपना व्यापार विदेशों में फैलाना यदि चाहते हैं तो कुछ संपत्ति खरीद सकते हैं और उस संपत्ति को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सड़क दुर्घटना से बच के रहना पड़ेगा। आर्थिक सावधानी और अपने शारीरिक सावधानी, ये आपका ही महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। दोपहर 3 से लेकर 6 तक का समय आपके लिए लकी होगा। लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। सिंह राशि। काफी लंबे समय से बिजी थे, आज जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ कुछ ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जहां पे अड़ना आपके लिए नुकसानदायक, समझौता करना, बीच का रास्ता निकालना बेहतर होगा। यदि किसी मुद्दे पर विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, पार्टनर की अहमियत को समझने का प्रयास कीजिएगा, चाहे शादी से पहले हो या शादी के बाद, किसी भी विवाद को शांति से सुलझा सकते हैं। करियर के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, विदेश जाने का मौका, विदेश से व्यापार करने का मौका आपको मिल जाएगा, दूर बैठे साझेदार आपको लाभ देंगे। फाइनेंस के मामले में आज ऐसी जगह पैसा खर्च किया जाएगा जिसका कोई मतलब तो नहीं बनता, परंतु क्या करें, करना तो चाहिए। सारे बिल अपने समय पर जमा नहीं किए हैं, इसलिए सारे बिलों की लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है, इसलिए किसी भी दुर्घटना या नुकसान से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखें। हेल्थ के मामले में किसी भी भारी सामान को उठाने या चिकने फर्श पर चलने से पहले सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। सुबह 11 से 12 तक का समय आपके लिए लकी नारंगी रंग सौभाग्यशाली होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक आज चंद्रमा के गोचर के कारण आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम करने की स्थिति में हैं, लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद देंगे, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि आपका व्यवहार सभी लोगों के प्रति अच्छा रहा है। लव लाइफ की बात करें, आज का दिन रोमांस से भरा होगा, अपने दिल को थाम के बैठिए, दिल में धैर्य बनाए रखिएगा, पार्टनर आज आपको नई चीजें और नई गिफ्ट भी देगा। दूसरों की गलतियों को अनदेखा कर दीजिएगा, आपसे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। करियर में आज शाम को किसी भी काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, इसलिए खुशी मिलेगी कि आप अपनी पहचान और अपनी पकड़ बनाए रखें। फाइनेंस में जमीन से जुड़ा मामला किसी भी लेन देन के लिए शुभ होगा, जमीन खरीदना और बेचना आपके लिए लाभदायक होगा। हेल्थ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ख्याल रखें, यदि बहुत दिन से बीमार हैं तो दवाई और मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल या डॉक्टर की जो भी सलाह है उसको सही से मानना आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। नीले रंग के कपड़े पहने, दोपहर 2 से 4 तक का समय आपके लिए लकी होगा। तुला राशि। आज चंद्रमा मकर राशि में है, आपको नई नई जगह ले जा सकते हैं, परिवार के साथ आनंद कर सकते हैं, कुछ बेहतर तरीके से काम करने के लिए सोच रहे हैं, जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उदास तो जरूर है लव लाइफ को लेकर, परंतु आज अपने पार्टनर, अपने मित्र और अपने साझेदार के साथ अपने मन की बात बता दीजिएगा। पार्टनर आपको किसी बात पर बार बार छेड़ सकता है, दिन भर आनंद करेंगे। करियर के मामले में एहसास होगा कि जो सफलता आपने प्राप्त की है उसके पीछे खाली आपका नहीं, बाकी लोगों का भी हाथ है, उनको धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी मेहनत और अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता हमेशा रहती है। फाइनेंस में आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, कोई बड़ा निवेश करना है थोड़ा सा बच
जाइए। कर्ज के लिए आवेदन किया हुआ है, पॉजिटिव हो सकता है। हेल्थ में छोटी बीमारियां आपको परेशान करेंगी, मानसिक परेशानी से चल जूझ रहे हैं तो उसका उपचार भी जरूरी है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:45 तक का समय आपके लिए किसी भी कार्य के लिए शुभ माना गया है। आज के लिए लक्की रंग है नीला। वृश्चिक, आज वृश्चिक राशि के जातक कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। खुद से टकराव होगा, मेहनत और आलस दोनों के बीच में से आपको रास्ता निकालना है। आलस त्याग दीजिए, अपनी सहमति से युक्त कोई भी कार्य करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आपका जीवन साथी और आपके मित्र आपको इस परिस्थिति के लिए तारीफ देंगे। लव लाइफ की बात करें, आपका साथी आपको इमोशनल कर सकता है। स्थिति को समझते हुए अनावश्यक रूप से तमाशा ना बनाकर बहसबाजी से दूर रहें। अपने साथी को समझा लें, यदि समस्या का समाधान नहीं है कुछ समय के लिए उस स्थान से हट जाइएगा। करियर में आज लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऑफिस में बहुत ज्यादा काम शुरू ना करें ताकि बोझ बढ़ जाए, आप उसका रिजल्ट नहीं दे सकते। थकावा महसूस करेंगे, संतुलन बनाकर चलिएगा। अगर जरूरत हो तो काम को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय भी मांगा जा सकता है। फाइनेंस में आप पाएंगे, आज यदि आप बेचने वाले हैं तो आसानी से प्रतियोगियों को बीट कर देंगे। हेल्थ के मामले में अपना ध्यान रखें, किसी से भी कोई सलाह लेना, डॉक्टरी सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, इसलिए बात जरूर कीजिएगा किसी भी मेडिकल अच्छे लोगों के साथ। कोई भी रंग पहने आपके लिए शुभ होगा। 5:10 से लेकर 6:35 तक का समय शुभ है। धनुराशि, आज चंद्रमा का गोचर आपको आपसी जिम्मेदारी और आसपास के लोगों की जिम्मेदारी उठाने में मदद देगा। रोज कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है, अनेक बेहतरीन अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। आज वह मौका है जब खुद पर विश्वास करके आप लोगों की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लव लाइफ की बात करें, आज आपको निराशा होगी। छोटे समय के लिए शांत रहें, विवादों में ना उलझें। आप अपने विचारों के साथ अपने साथी के पास जाइएगा। कोई भी बड़ी बात हो नहीं सॉल्यूशन है, हट जाइएगा। करियर में आज आपको काम पूरा करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम के लोग और आपके नीचे काम करने वाले लोग पूरी मदद नहीं दे सकते। आलस के कारण कुछ पीछे रह गए थे, परेशान ना हो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। फाइनेंस में जमीन और जायदाद की खरीद के लिए अच्छा दिन रहेगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेल्थ के मामले में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, आप महसूस करेंगे। कोई बीमारी नहीं है, परंतु रोज की भागदौड़ के कारण बहुत प्रेशर आपके ऊपर आ गया है। मस्टर्ड येलो कलर आपके लिए लकी रहेगा। 6:30 से 7:30 तक का समय सबसे अधिक शुभ समय माना गया है। मकर राशि, आज जीवन में सक्सेस आएगी। चंद्रमा पूर्ण रूप से सारे ग्रह आपको मदद दे रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति का सामना कर सकते हैं जिसके लिए आप काफी दिन से चिंतित और परेशान थे, आज उसका सॉल्यूशन भी आएगा दोपहर के बाद। पॉजिटिविटी के साथ काम करें, अपनी चीजों को बेहतर ढंग से समझें, आप मजबूत व्यक्ति हैं। लव लाइफ की बात करें, यदि आपने प्यार भरी जिंदगी में किसी बात को लेकर टेंशन लिया हुआ है, अपने पार्टनर को अपने मन की बात बता दीजिए, सॉल्यूशन उसके पास निश्चित रूप से मिलेगा। करियर में अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए अधिक मेहनत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस टीम और किस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। अपने काम को ठीक से समझना आज आपके लिए सफलता भी लेकर आएगा। आपको अपने काम को ठीक से समझकर निरंतर प्रयास करते जाना चाहिए। आपको अपने काम को करना ही होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम को नहीं करेगा। सब मिलकर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। फाइनेंस में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जमीन का सौदा कर ले और अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। हेल्थ में आज दर्द या बुखार आपको हो तो बेहतर महसूस कराएगा। पुरानी बीमारी सारी दूर होती हुई नजर आएंगी। दोपहर 3:00 से 6:00 तक का समय आपके लिए लकी रहेगा। लाल रंग सौभाग्यशाली। कुंभ राशि, आज कुंभ राशि के जातक कुछ मोर्चों पर खुद को निराश पाएंगे। अपने लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं, आसानी से पूरे हो रहे हैं, परंतु आत्मविश्वास का स्तर प्रभावित हो सकता है। अपने काम को लेकर चिंतित रहेंगे, अपनी जिंदगी में सुधार देखेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आज आपका संबंध आपको बहुत संतुष्टि दिलाएगा। पुरानी और पारिवारिक बीमारी भी दूर होते हुए नजर आएगी, आपका फायदा हो सकता है, मन बहल सकता है। पति पत्नी के बीच में काफी लंबे समय से चला आ रहा विवाद आज दूर होगा। अपने प्यार को दिखाने और बताने के लिए किसी खास दिन का इंतजार ना करें। करियर में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। अपने इरादे मजबूत रखें और लगातार मेहनत करते जाइएगा।
मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। फाइनल में यदि पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं तो आर्थिक लाभ हो सकता है, आपकी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। हेल्थ में थोड़ा सा दिन अच्छा नहीं है, जोड़ों का दर्द आपको परेशान करेगा, आराम करें। यदि पुरानी बीमारी है तो डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। शाम को 6:30 से लेकर 7:30 तक का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। लाल रंग कोई भी आपके लिए भाग्यशाली। मीन राशि, आज थोड़ी सहनशीलता के साथ काम करना है, अधूरी योजनाओं के साथ काम करना है, पूरी करने के लिए थोड़ी मेहनत कीजिएगा, प्रयासों को बढ़ा दीजिएगा। लव लाइफ की बात करें, आज आप रोमांटिक हो सकते हैं पर उदास हैं, क्योंकि पार्टनर आपको पूरी सहायता और मदद नहीं दे रहे हैं, उसकी तरफ से उदासी जैसा कोई माहौल बना रहेगा। अपने रिश्तों में छाई उदासी को आप दूर कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी आज तैयार बैठे हैं। पार्टनर थोड़ा दूर हो सकता है, समस्या को समझने का प्रयास करेंगे तो बात बन जाएगी। करियर में आज सक्सेस पाने के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, छोटी छोटी सफलता कुछ ना कुछ आपको सिखा देगी। फाइनेंस में आप लंबी अवधि के लिए किसी सौदे पर निवेश कर सकते हैं, आपको यह अवसर जल्दी ग्रहण करना होगा। हेल्थ में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो तनाव से निकलने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि हालात आपके बस में नहीं है, परंतु ठीक करने का प्रयास तो करना ही चाहिए। आपकी हेल्थ सामान्य रूप से अच्छी रहेगी। सुबह 10 से 11 के बीच का समय आपके लिए लकी। मर्जेंटा कलर भी आपके लिए सौभाग्यशाली साबित होगा। यह राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। आप अपनी कुंडली, विवाह, पंचांग, शुभ मुहूर्त, राशिफल आदि से संबंधित या व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या आज ही डाउनलोड करें स्टोरी ऐप गूगल प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से और पाएं अपनी समस्या और जिज्ञासा का समाधान इंडिया के बेस्ट ज्योतिष आचार्यों से। अपने 2023 के बारे में जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी। पहला कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री।